तो आपको दिन में फोटोकॉपी मशीन दिखाई थी, अब चलता हूँ घूमने के लिए क्योंकि आज छुट्टी है, तो छुट्टी का पूरा आनंद लें। पिछली छुट्टी को कहीं घूमने नहीं गया था, तो इधर एक अच्छा सा पार्क है। मेरा दोस्त मान लो, मेरे सर जी मान लो, मेरे को कंपनी में जिस बंदे ने काम पे लगा रखा है, उन सर जी के साथ में वो परिवार सहित आ रहे हैं उस पार्क में, तो उनके साथ में घूमने का लुत्फ उठाएंगे। तो चलो अब पार्क चलते हैं। ओके, तो पार्क के पास पहुंच गए। ये पार्किंग, इधर पार्किंग लगा देते हैं, फिर देखते हैं। पहले इस पार्किंग के चारों तरफ का दृश्य दिखा देता हूँ। वैसे तो ये चारों तरफ का तो क्या है, ये तो सिर्फ पार्किंग का ही दृश्य है। अब चलो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है पार्क का। ये देखो पार्क का आनंद लेते हुए जापानी लोग। ये देखिए बच्चों का खेल। देखो देखो इधर सबको देखने के लिए बोल दो, बोलो कि ब्लॉग को सब लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें, बोलो। ये सर जी है, हमें काम लगा रखे हैं 2 साल 3 साल हो गए शायद, 3 साल। ये भाभी जी नेपाल से हैं। सेकेंड टाइम वीडियो में आ रहे हैं सर जी। आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर थर्ड वीडियो भी बनाएंगे। ये देखो कितना बड़ा पार्क है। ये सब पानी में खेलने के लिए बनाया हुआ है, नीचे पानी और ऊपर झूला। देखिए कितना प्यारा लग रहा है पार्क।
कौन आ रहा है? ये मेरे पास का ही पार्क है, लेकिन मैंने इस पार्क में कभी आया नहीं। नहीं, मैंने इस पार्क को देखा है, बड़ा खूबसूरत पार्क है। ये मेरे साथ वाला बंदा सर जी और भाभी जी और ये गुड़िया सारे घूमने के लिए आए हैं साथ में। ये जापानी लोग ये बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी इतना खूबसूरत लग रहा है। ये इधर बोर्ड भी लगाया हुआ है कि ये फ्रूट इधर पेड़ों पे लगता है, लेकिन इसको उठाना नहीं है, मतलब तोड़ना नहीं है। और पड़े हुए को तो उठा सकते हैं, नीचे गिरे हुए को। ये देखिए, पार्क में हर जगह बैठने की सुविधा भी होती है। इतने बड़े पार्क में घूमने के लिए आते हैं तो प्यास भी लग जाती है, भूख भी लग जाती है। तो आराम से अपने घर से टिफिन बना के लाओ, पानी की बोतल लाओ, आराम से बैठकर खाओ। नहीं, लोग बहुत कम आते हैं यार, कहाँ है इधर देखने को। लगा रहे। हेलमेट के बगैर इधर साइकिल चलाना भी मना है। ये पार्क की खूबसूरती देखो, कितना खूबसूरत है, कितनी ये सड़कें साफ है, कितना इस पार्क की कटिंग, पेड़ों की कटिंग, इतनी साफ सफाई इधर जापान के अलावा तो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, कई कंट्रियों में होता है, लेकिन हमारे देश में तो इतनी तो साफ सफाई नहीं मिलती। आजकल तो अपने भी साफ सफाई रखने लगे हैं लोग। ये देखो, ये आगे जाता है
गली, लेकिन आगे तो जाने का मन नहीं है, पता नहीं आगे घना जंगल है, इस पानी से होकर गुजरते हैं। लेकिन हम नहीं जानते, ये देखो अखरोट का पेड़ है, अखरोट लगे हुए हैं इसके, लेकिन तोड़ना मना है। तोड़ सकते हैं सर जी? 1-2 महीने के बाद बनेगा ना? ये देखो पास में, ये देखो, हाँ फिर से गया। एक टायर से साइकिल चला रहा है, मैं वो दिखाना चाहता था, लेकिन चलो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ये अभी कच्चा है ना, अब इसको 1-2-3 महीने के बाद बनेगा ना? अच्छा चलो, ये अखरोट के पेड़ हैं इधर पार्क में, काफ़ी टाइप के फल फ्रूट के पेड़ हैं, लेकिन तोड़ना मना है। नीचे गिरे हुए हैं तो उठा सकता है, कोई मना ही नहीं है। इधर तोड़ के फेंक दिया, अभी ये किसी काम का नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो देखें। मैं आपको पूरा पार्क धीरे धीरे आराम से दिखा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये इधर नीचे से निकल रहा है पानी, ये नालियों के अंदर पानी यहीं से जा रहा है पूरा, इधर से दलकर इधर आ रहा है पूरा। सिर्फ पार्किंग, इस पार्क की व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए ये इधर से शुरू किया है पानी, ये पूरे पार्क में चक्कर लगाता है पानी। नहीं, इसमें तो ज़्यादा खर्चे वाली तो कोई बात नहीं है। पानी खींचने के लिए तो कुछ लगाया हुआ है नहीं है? नहीं नहीं, सिर्फ पाइप ही लगाया हुआ है, ऊपर कोई बड़ी टंकी है उससे आ रहा है शायद। पार्क के कॉर्नर पर आ गए हैं, अब देखते हैं इस कॉर्नर के आगे क्या है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे पता चलेगा। ओ आगे तो नदी है, नदी का बहाव, नदी तो दूर है, नदी पे जाने के लिए ये सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ेगा। कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो चलो, कौन सा? नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये फूल नहीं है। दीपावली पर माला बनाने वाले फूल अलग है, ये तो फूल छोटे हैं और अच्छे भी नहीं हैं। चलो ये सीढ़ियाँ उतर के चलते हैं नदी के पास में, देखते हैं नदी का बहाव। ये मेरे पीछे से गिरधारी साकू और भाभी जी आ रहे हैं, और सर जी आगे चल रहे हैं। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ ना आगे से। हाँ आप रास्ता ढूंढ रहे हो, आपके रास्ते पे ही चल रहे हैं। ये देखिए कितना छोटा सा सड़क बनाया हुआ है पैदल चलने के लिए। ये देखिए आ जाओ इधर से, पास में चलते हैं। आगे क्या है? आगे कुछ नहीं होगा, आगे सिर्फ पुलिया है, इधर ही है। इधर से चलते हैं, जैसे गांव में चलते हैं, कोई पगडंडी नहीं है, फिर भी चल रहे हैं। जापानी लोग तो रास्ते के हिसाब से चलते हैं, इधर रास्ते का क्या देखना। ओ इधर से उतरने के लिए जगह ही नहीं है, सीढ़ियाँ है आगे, सीढ़ियाँ तो है। मौसम देखो कितना सुहावना हो रखा है, अब इसको कैसे पार करेंगे,
वैसे तो पानी तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पानी है, पार तो कर लेंगे शायद। क्या है, कितना ठंडा पानी है वो पानी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था ज्यादा है। क्या हुआ, गिरदारी साकू को लेके पानी के अंदर से आ नहीं पा रहा। तो चलो फाइनली खुली जगह में आ गई मौज मस्ती करने। ये देखिए नदी का पानी, ये देखने में थोड़ा दिख रहा है लेकिन पानी है काफ़ी, बहाव भी नॉर्मल है। अब जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ इस जगह पर भी ये नदी का पानी ही आता है लेकिन आज पानी थोड़ा कम है। इधर से आ रहा है नदी का बहाव, इधर से इधर की ओर है। अब देखो साकू ये बच्ची खेलने का आनंद ले रही है पानी के अंदर। पानी का बहाव तो कोई ज़्यादा तेज नहीं है। साको बैठ जाओ, बैठ जाओ पानी में, बैठ जाओ, बैठ के खेलो, बैठ के खेलने में आनंद ज़्यादा आता है। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ देखो उधर दो गाड़ियाँ भी खड़ी है, नदी के पास में आते हैं गाड़ियाँ लेके मछलियाँ पकड़ते हैं। तो अपन अब चलते हैं वापस पार्क में। साकू इधर देखो, साकू पानी देखने में थोड़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन घुटने तक आ रहा है। इधर भी काफ़ी है, इधर तो इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन नदी में पानी काफ़ी था, हम अंदर तक नहीं गए। तो आगे तो इधर से जाना पड़ेगा, इधर से चलोगे? वैसे तो इधर से भी चल तो सकते हैं, उतरने में परेशानी थी, चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं। चंजी ये देखो सीढ़ियाँ भी कितनी बड़ी है इधर से लेके उधर तक। ऐसे मौसम में ही घूमने का आनंद आता है, बड़ा शानदार मौसम हो रखा है। चलो अब पार्क के अंदर चलते हैं। हाँ खर्चा बहुत करते हैं ये पार्क में, लेकिन इस पार्क में तो वो वैसे रसीद वगैरह भी नहीं कटती, इसमें तो मजदूरी होने का कोई चांस ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ ऐसे घूमने ही आते हैं। बहुत लंबा पार्क है, वो आपको दिखाया था उधर हिटाची से साइड पार्क, उतना ही बड़ा, उतना तो बड़ा नहीं है, वो तो बहुत लंबा पार्क था लेकिन ये भी बहुत बड़ा पार्क है। कितना शानदार क्लीन पार्क है। नहीं पार्क में ज़्यादातर देखता हूँ ड्रिंक के पास में वो सॉफ्टी वगैरह आइसक्रीम वगैरह की भी लगाई हुई होती है। तो चलो इधर देखते हैं
है क्या कुछ खाने पीने के लिए? क्या हुआ? बैडमिंटन खेलने का मन कर रहा है तो चलो चलते हैं, बैडमिंटन लाए हो? बहुत वायरल, नहीं कभी छोटी छोटी बातों से ही वायरल होता है वीडियो, जो शॉर्ट वीडियो होता है ना वो एक दो किसी पॉइंट की वजह से ही वायरल होते हैं। पीछे देखो पीछे, पीछे देखो पीछे। नहीं इंस्टाग्राम तो बैन तो नहीं करने वाला, इंस्टाग्राम का एक थर्ड के नाम से एक नया ऐप बना दिया ट्विटर के जैसा, पता नहीं नया ऐप निकाला है ट्विटर के बराबर में, क्या करना है क्या नहीं करना है इतना मेरे को नॉलेज नहीं है ना। ये देखो मशीनें लगी हुई है इसमें, ये देखो कितनी, आज दिखाता हूँ आपको, वेंडिंग मशीन भी बहुत है, वेंडिंग मशीन इधर लगाई हुई है, पाँच छः वेंडिंग मशीन लगाई हुई है, छः में एक दूर से देख रहा हूँ आइसक्रीम वगैरह की। ये आइसक्रीम की है, ये आगे सारी कोल्ड ड्रिंक्स की है, अलग अलग कंपनी की लगाई हुई है, अलग अलग मालिक हैं इनके। देखो कितनी वेंडिंग मशीन लगाई हुई होती है, तो इसमें से आइसक्रीम निकालेंगे खाएंगे। ये छोटा बच्चा जापानी, कोनिचिवा कोनिचिवा, हाय बाय बाय बोलो, आई है वो एक हीरो है, वो दे बटन घूम गयो, बच्चे साइकिल चलाने का आनंद लेते हैं इधर पार्क में, चले गए दोनों वापिस। आइसक्रीम निकाल ले, ये आइसक्रीम निकाल रहे हैं, रख तेरे के अंदर निकाल ले, एक निकाल ली, लगे हुए हैं निकालने के लिए चारों के लिए एक एक आइसक्रीम। इस पार्क में तो ये जो लगाई हुई है इसकी तो रेट भी ज़्यादा है, सारी 180 की लगाई हुई है, पहले मैंने आपको दिखाई थी उसमें आइसक्रीम भी तो अच्छी थी और वो सॉफ्टी टाइप थी, और उनकी रेट शायद 150 या 170 रुपये थी, इन सब की रेट फिक्स है 180 रुपये सारों की, नहीं नीचे वाली जो आइस लिखा हुआ है वो 140 रुपये की है। सर जी संभल कर पकड़ो ना आराम से, ड्रिंक कोई नहीं पिएगा, सारे आइसक्रीम खाएंगे। आगो इधर देखो मोबाइल में, बाय बाय बोलो, बाय बाय साकू, बाय बाय बोलो, बाय बाय हाथ लाओ, बाय बाय बोलो, हाँ बोलो बाय बाय, चलो आइसक्रीम ले ली, अब आगे चलते हैं खाएंगे। तो पार्क में घूमते घूमते वापस उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से शुरू हुए थे, ये आपको दिखाना भूल गया था, बच्चों के खेलने की जगह है ये, इधर देखो छोटी छोटी टपरियाँ बनाई हुई होती है, जब गर्मी हो तो इसके नीचे आराम से रेस्ट कर सकता है बंदा, और हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर यदि बड़ा पार्क हो तो 5-7 जगह भी होते हैं, नहीं 1-2 जगह होते हैं, टॉयलेट वगैरह भी होते हैं, और ये बच्चों का खेलने की जगह है। हाँ ये आ गया बच्चा, ये तो धीरे धीरे आ रहा है, हाँ तू जाके हंस कर,
बच्चे खेल रहे हैं। साकू को डर लगता है, साकू नहीं जाएगी। चलो साकू आ रहे, अकेली है थोड़ी आएगी, अकेली नहीं साथ में भी आएगी तो भी इसको डर लगता है मेरे को तो। धीरे 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 साकू साकू ओए ओए साकू को डर नहीं लगा भाई, लगा आपके थोड़ा। आप भी आ जाओ साकू के पीछे पीछे। साकू ध्यान से, साकू ध्यान से आ जाओ। अब चलें क्या साकू? साकू साकू बाय। और इस पर दिखाता हूँ, देखो क्या क्या है बच्चों को खेलने के लिए बनाए हुए हैं। बच्चों के खेलने के लिए बहुत से सिस्टम बनाए हुए होते हैं पार्कों में। बच्चों का हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं ये जापानी लोग। ये सारे बच्चों के खेल के लिए, बच्चों का शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है इनमें खेलने से। ये देखो ये क्या पिरामिड बनाया हुआ है, इसमें बच्चे चढ़ते हैं, इनमें बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। ये लगाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। और ये देखो इधर से रोलर बनाया हुआ है। अभी देखो आपको साइकिल दिखाता हूँ, एक टायर की साइकिल चला रहा है वो, एक टायर को ही चला रहा है। इसके लिए बड़ी क्वालिटी चाहिए बंदे में। और इधर ये लगे हुए हैं, मेरे को तो वो एक टायर से साइकिल चलाने वालों की तो वास्तव में बड़ी क्वालिटी है, उसको बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा लंबे टाइम से। नहीं तो साइकिल मोटरसाइकिल चलाने सीखने में भी टाइम लगता है बंदे को। अब आपको इधर से पार्क का चारों तरफ का दृश्य दिखा के फिर वीडियो को एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया तो कृपया करके पूरा वीडियो देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और वीडियो में क्या कमी थी, कैसा बनाना चाहिए और आपको क्या दिखाना है, आपको जापान में क्या पसंद है, कैसा देखना पसंद करते हो, तो इसके बारे में कमेंट करें। और कुछ नया हो तो बताएं मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बाय बाय।